यात्रा लोगों में 100 में से 80-90% तो राजस्थानी सूरा को 10% मेरे जैसे गुजराती होंगे, लेकिन राजस्थानी और गुजराती ने हिल मिल करके संग पूरा किया। कभी मेरे पास किसी की फरियाद नहीं आई, बावसी वेहरा है वेहरा है, कोई कभी किसी की फरियाद नहीं आई। ऐसा लगता था कि गुजराती सब मारवाड़ी हो, जीमण में तो मारवाड़ी उस तो यात्रा लो युवक मंडल, उससे आगे बात करो। हमारे इवेंट मैनेजमेंट अभी 2 साल पहले का उनका परिचय महेंद्र भाई, एक मां पूजा करानी थी साबरमती में, लेकिन उनका रेट सुन करके मुझे ठंडी में पसीना निकल गया। हमारे बस का काम नहीं है, और जब भंडारी परिवार ने उन्हीं को दिया तो मैंने सोचा कि चलो इस बार देख लेंगे, और वो भी एक जादूगर है। जादूगर जैसे एक के बाद एक जादू बढ़ता बढ़ता निकालते हैं, पहले दिन थोड़ा सा माइनस हो सकता है, जैसे जैसे दूसरा तीसरा चौथा दिन क्या जमावट की, भगवान की महापूजा, पशुओं का भोजन, कुमारपाल महाराजा की जो महाआरती, जब जब भी सरस्वती पूजन हो, और मातृवंदना को तो हम आज भी भूल नहीं सकते। ऐसा अनूठा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम जो उन्होंने कराए, उनमें अपना पूरी इवेंट मैनेजमेंट की टीम को लगा दी। लगता है कि अभी और 12 दिन ये संघ आगे चले ना, तो कौन आने के लिए तैयार है? अटे दी पली कणा, अच्छा अटे दी पली कणा जाओ, थे आओ कि नहीं आओ? आओ ने वटे दी गिर ना जाओ तो आओ, मन लागे थोड़े घरे कोई कौन बीजू लागती से। जबरदस्त इनकी ताकत है, रोज हमें जैसे धनजी रसोईया ने नई नई रसोई खिलाई, इन्होंने नई नई आइटम दी। संगीतकार जब मैंने एक नक्की किया था, उन्होंने कहा कि महाराज सभी राजस्थानी का संग है, एक में मजा नहीं आएगा, उनको वैरायटी चाहिए, और हर 2 दिन संगीतकार बदलते गए, और आज एक दिन में 2 संगीतकार मिलेंगे। सुबह में नरेंद्र भाई है, और शाम को विनीत गिमावत आए, एक दिन में 2, जैसे 5 पकवान खिलाते हैं ना। वैसे तो हमारे बहुत सारे संगीतकार यहाँ बैठे भी हैं, हमारे प्रफुल्ल भाई पूना वाले हैं, बाइंदर से अब कहाँ गए, बोरीवली, ये राजेश भाई बोरीवली, राजेश भाई, राजेश जैन, राजेश जैन, चिराग ठाकुर, ठाकुर खानदान के वारिस, नरेंद्र भाई भाषण बोल लो, भूखा गाड़िया संगीतकार, होलसेल में संगीतकार, और स्टेज पे 11 बैठे खड़े हो जाओ तिष्ठ। और सबसे अंतिम चरण में बात कर दूं, ये सब है, संगली ना होते तो। सबसे महत्व की बात कर दूं, आज बातें नहीं, अच्छा देखने जाओ तो मुझे पता है राजस्थानी, मैं जब छोटा था ना तब इतना ही समझता था, राजस्थानी की बात आ तो मैं इतना बोलता, मोरो खिलो वटे ने वटे, ये डिगो पर मैंने डिगो, उसे राजस्थानी कहते थे, और ये मेरी मान्यता मुझे बार बार देखने भी मिलती थी, लेकिन ये भंडारी परिवार ने मान्यता तोड़ दी। 2 भाइयों का संप देखो तो राम और लक्ष्मण का, विमल भाई जैसे रामायण के राम, चंदनमल जी लक्ष्मण जैसे राम, और ये लक्ष्मण की जोड़ी और उनके साथ बेटे को मैं आसमान के साथ तारा सप्तर्षि कहता हूं। मैंने आज ही मेरे महात्माओं से बात की, 12 दिन में कभी पता नहीं चला कि इसमें 7 भाई कौन है,
कभी देखा नहीं कि बड़े भाई पीछे रह गए और छोटे भाई आगे निकल गए तो बड़े भाई का मुंह चढ़ गया। और भाई में ऐसा कम होता है, लेडीज में ज्यादा होता है। लेकिन यह सा पुत्र वधू नहीं है, सेवन सिस्टर कहती है ना, यह सेवन सिस्टर है। ऐसा परिवार रात को दिया लेके देखने को निकलो तो भी जल्दी नहीं मिलेगा। ऐसे भंडारी परिवार के संग में मिश्रा देने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं मुझे धन्यवाद देता हूं, जब पहला ही संग निकला इतना अच्छा परिवार मिला। शास्त्रों में लिखा है अनुकूल परिवार मिलने के लिए भी पुण्य चाहिए। मातु श्री सुखीबाई ने कोई ऐसा पुण्य किया होगा, वो भले स्वर्ग में है लेकिन उनकी कृपा से आज यह पूरा परिवार कितना संप के साथ रहता है। ऐसा